జవహర్ నగర్ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని సిఆర్పీఎఫ్ అరుంధతి నగర్లో ఉన్న మద్రాసా ఇనాముల్ మస్జిద్ ఆవరణలో యూసఫ్ సోషల్ సర్వీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో 75వ భారత రాజ్యాంగ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా జాతీయ జెండాని ఆవిష్కరించి మహానీల చిత్రపటాలకి పూలమాలలు వేసి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించి ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యూసఫ్ రామాంజీ నరేష్ సుల్తాన్ సిఆర్పీఎఫ్ కృష్ణ శ్రీకాంత్ వాజిద్ మస్తాన్ ముఖ్యం మహమ్మద్ అలీఖాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అస్సలాము అలైకుం, నమస్తే, ఆదాబ్. मादर हिंद तेरी शान ना जाने देंगे, जीते जी तुझ पे कोई आँच ना आने देंगे. आज यहाँ पर आए हुए तमाम भाइयों के चेहरे पर मेरी नज़रें अकीदत व मोहब्बत के फूल बरसा रही है, और ख़ास तौर पर मैं तमाम अहले वतन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ हमारे देश में चोर दरवाज़े से दाखिल होकर सोने की चिड़िया चुरा ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो खुदा ने उनके नियत की चादर को तार तार कर दिया और गफलत के नींद सोने वालों को बेदार कर दिया. पूरे मुल्क में अंग्रेज़ भगाओ और देश बचाओ के नारे बुलंद होने लगे. यूरोप के तरिंदों ने खून की नदियाँ बहा दी. मजहबी रहनुमाओं में अंग्रेज़ ने सबसे ज़्यादा ख़तरा जिनसे महसूस किया वह हमारे मदरसे के पढ़े हुए उलमा थे, क्योंकि तहरीक आज़ादी में उलमाए किराम ही पेश पेश थे. यकीन ना हो तो उठा कर देख लीजिए हिंदुस्तान की तारीख़ हुर्रियत, मगर बड़ी शर्म की बात है कि महज़ब व कैरेक्टर के गहवारा मदरसे को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है, टोपी और दाढ़ी वाले मुसलमान को आतंकवाद का टाइटल दिया जाता है. खैर, हमारे कुरान ने कहा था जा अल हक वज़हक अल बातिल, के हक का बोल बाला होता है और बातिल का मुँह काला होता है. शुक्र खुदा है कि ऐसा ही हुआ, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवर्ष में जाग गए तो गोरे चमड़े वाले अंग्रेज़ दुम दबा कर भाग गए. मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तारीख को हिंदुस्तानियों ने चैन का सांस लिया था उस 15 अगस्त को यौम आज़ादी कहा जाता है, और जिस दिन पूरे मुल्क के लिए इंडियन कानून लागू हुआ था उस 26 जनवरी को यौम जमहूरिया कहा जाता है, और आज इस 26 जनवरी यौम जमहूरिया के पुरबहार मौके पर मैं मदरसा इनामुल उलूम के अराकीन मुदर्रसीन तलबा कमेटी मेम्बरान यहाँ के जवान की तरफ से अपने मुल्क अजीज़ भारत को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ, ए मेरे खुदा मसीहुज़्ज़मा का ऐलान रहे, ए मेरे खुदा मसीहुज़्ज़मा का ऐलान रहे, रग रग में ईमान रहे, जब तक जान में जान रहे, भारत पर कुर्बान रहे, और इल्म व अदब का नूर लुटाता, इल्म व अदब का नूर लुटाता हम सब का दिलो जान रहे, जन्म जन्म का दुश्मन रोए हंसता हिंदुस्तान रहे. और आजकल कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं, या जो भी टोपी व दाढ़ी वाले हैं उनसे सवाल करते हैं कि आपको मोहब्बत संविधान से है या फिर मोहब्बत कुरान से है, तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि वतन से मोहब्बत करना हमें कुरान सिखाता है, वतन से मोहब्बत करना हमें कुरान सिखाता है. हमारे दिल के हर कोने में हिंदुस्तान बसता है, हमारे दिल के हर कोने में हिंदुस्तान बसता है. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद.